आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से साउथ इंडिया में प्रॉपर सफेद जो सॉफ्ट इडली होती है उसका बैटर बनाया जाता है, क्या रेशो होता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करें क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो अक्सर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं इडली के बैटर बनाते वक्त या इडली स्टीम करते वक्त। तो चलिए बनाते हैं होटल स्टाइल सॉफ्ट फ्लफी स्पंजी और व्हाइट परफेक्ट इडली। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल स्पेशल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इडली का परफेक्ट बैटर। तो बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बोल, और बोल में हम लेंगे 3 कप चावल। मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी 1 कप आप सेट कर लें, उसी से सारी चीजें लें। अब इडली बनाने के लिए साउथ में तो इडली राइस आता है, पार बॉइल्ड राइस आता है, तो उनका रेशो लिया जाता है, लेकिन हर जगह ये चावल मिल नहीं पाते। तो यहाँ मैं सिंपल जो रोज में चावल बनता है, मैं सोना मसूरी राइस ले रही हूँ 3 कप। अब चावल को हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से 4 से 5 बार धोना होगा। तो इस तरह से 4-5 बार बढ़िया से हम चावल को धोएंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे मेरी पहली टिप, जब आप चावल को धोएं तो आपको चावल को तब तक अच्छी तरीके से धोना है जब तक कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ना ऊपर धुंधला सा दिख रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, एकदम साफ पानी दिखना चाहिए, तब तक हमें चावल को धोना होगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है एक सफेद अच्छी इडली बनाने के लिए। और ये देखिए, मैंने 4-5 बार अच्छी तरह चावल को धो लिया है, अब आपको ये पानी बिल्कुल साफ लग रहा होगा। ये देखिए, अब हम लगभग 5 घंटे के लिए चावल को बढ़िया से भीगने देंगे जिससे कि चावल बढ़िया से फूल जाए और हमारी इडली फ्लफी बने। ओवर सोकिंग हमें नहीं करनी है, यानी बहुत लंबे समय के लिए नहीं भी होना है, सिर्फ 5-6 घंटे के लिए। अब नेक्स्ट आता है 1 कप उड़द दाल। अगर हम 3 कप चावल ले रहे हैं तो उसी कप से 1 कप उड़द दाल लेंगे। यहाँ जो उड़द दाल मैंने ली है, ये मैंने ली है साबुत वाली, इस तरीके की आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये इडली के लिए बेस्ट रहती है। अगर आपको ये साबुत उड़द दाल ना मिले तो आप जो जनरल में हम दाल वगैरह बनाते हैं उड़द दाल स्प्लिटेड, आप ये वाली भी ले सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आप इसे चूज करें। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना फर्मेंटेशन यानी खमीर में मदद करता है उठाने में, तो आप इस तरह 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालें। उड़द दाल और मेथी दाना आप एक साथ भिगोएं। हमें यहाँ पर भी दाल को लगभग 4-5 बार अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसके बाद हम इसको भिगो कर रख देंगे। तो इसको हमें भिगोना है 4 घंटे के लिए। अगर आपने इसको ज्यादा ओवर सोक किया या आपने रात में भिगो कर रख दिया तो उससे क्या होता है कभी कभी कि इडली जो है फ्लैट हो जाती है, फूलती नहीं है। अब आता है नंबर ट्रिक्स का। तो आपको यहाँ लेना है 1/4 कप पोहा, जिसे आप चरबा भी बोलते हैं, चूड़ा भी बोलते हैं, जिसे हम पोहा बनाते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ 1/4 कप, मान के चलिए 4 बड़े चम्मच है। यहाँ पर साउथ में ज्यादातर या तो चरबा डाला जाता है इडली में उसको सफेद बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, या फिर आप चरबा नहीं है आपके पास तो आप यहाँ ले सकते हैं 1/4 कप मुरमुरे, जो मुरमुरे हम मुरी बोलते हैं, या तो मुरमुरे ले लीजिए या फिर 1/4 कप आप ले सकते हैं साबुदाना। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है। मैं यहाँ पोहा ले रही हूँ क्योंकि यूजुअली पोहा ही लिया जाता है। पोहा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन परफेक्ट इडली बनाने के लिए होटल वाले भी ये जरूर डालते हैं। तो सभी चीजों को हम 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह भीगने देंगे जिससे ये बढ़िया से फूल जाए। 4 घंटे हो गए हैं तो सबसे पहले हम उड़द दाल को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं मेथी दाना उड़द दाल दोनों ही चीज बढ़िया से फूल गए हैं। सबसे पहले हम इस पानी को अलग कर देंगे, दाल को अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने दाल को निकाल लिया है, ये है मेरी नेक्स्ट टिप। जो पानी है वो हमने अलग कर लिया, पानी को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस दाल को पीसने में हम इसी पानी का यूज करेंगे जितनी जरूरत होगी, क्योंकि हम बैटर पूरा मिक्सी में बनाने वाले हैं। वैसे तो साउथ में बैट ग्राइंडर्स, जो स्टोन ग्राइंडर्स होते हैं वो मिलते हैं, उनमें पीसा जाता है, लेकिन आप इस तरह से मिक्सी में बढ़िया पीस सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पानी निकाला था उसको थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालकर पीसने से जो उड़द दाल का बैटर है वो फ्लफी होता जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा बढ़िया। तो थोड़ा सा हम पहले डालेंगे और अब इसको धीरे धीरे करके पीसेंगे। मैंने उड़द दाल को बिल्कुल बढ़िया से पीस लिया है, तो हमारा मेथी दाना और उड़द दाल का बैटर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का चिकना होना चाहिए, जब आप इसको छुएं तो आपको चिकना लगना चाहिए, दाने दाने नहीं आने चाहिए। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। तो उड़द दाल और मेथी दाने का बैटर है बिल्कुल तैयार, और देखिए कितना फ्लफी बना है। तो इसको इस तरह से ढक करके रख देते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, तो देखिए हमारा चावल भी बिल्कुल बढ़िया से फूल गया है और पोहा भी बिल्कुल बढ़िया से
फूल गया है। तो इस तरह से मैंने चावल का पानी भी निकाल दिया है और जो भी पोहे में एक्स्ट्रा पानी था वो हटा दिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, इस तरह से चावल डालेंगे और इसको बढ़िया सा दरदरा सा पीसेंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा चिकना नहीं पीसना है, दो पार्ट में इसको हम पीसेंगे और जो पोहा है साथ ही वो भी डाल देंगे। अब मेरी यहाँ नेक्स्ट स्टेप, जब हम चावल को इस तरह से पीसते हैं तो अक्सर मिक्सी गर्म हो जाती है, बार बार बंद होती है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएं। इससे क्या फायदा होगा, आपका बैटर पीला नहीं पड़ेगा, मिक्सी गर्म नहीं होगी और बार बार बंद नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर ही हम पूरे चावल को बढ़िया से पीस लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा चावल का बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का मैंने इसको पीसा है, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि हमने पोहा डाला है ना, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल व्हाइट है और ठंडे पानी से पीसा है, तो आपकी इडली भी अब व्हाइट ही बनेगी। इस चावल वाले बैटर में हम पूरा उड़द दाल का बैटर मिक्स कर देंगे। अब हम दोनों ही बैटर को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसको लगभग 4 मिनट तक आप इसी तरह से फेटे, या आप हैंड विस्कर से कर सकते हैं, या जिस तरह मैं स्पैटुला से कर रही हूं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने बैटर को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर जरूरी पॉइंट, जब भी आप जिस भी बर्तन में बैटर को तैयार कर रहे हैं, लगभग उसको ऊपर से इतना आप खाली रखें, जिससे कि जब ये फर्मेंटेशन यानी खमीर के बाद ये फूलेगा तो बाहर ना निकल जाए। नेक्स्ट टिप, तो यहाँ पर टिप ये है कि जब भी सर्दियों का मौसम हो यानी विंटर सीजन हो, तो आप इसमें नमक बिल्कुल ना डालें, क्योंकि नमक फर्मेंटेशन यानी खमीर के प्रोसेस को धीरे कर देता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर नमक सर्दियों में नहीं डालना है। गर्मियों में अक्सर खट्टापन आ जाता है जो हम फर्मेंटेशन के बाद बैटर तैयार करते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप आधी छोटी चम्मच नमक गर्मी के मौसम में बैटर में जरूर मिला दें, जिससे कि आपका बैटर ओवर फर्मेंट ना हो। लेकिन मैं अभी यहाँ नमक इसलिए नहीं मिला रही हूँ क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ भी गर्मी नहीं है, अच्छा मौसम है, तो मैं बिना नमक के ही 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, यानी खमीर उठने के लिए रखेंगे, अच्छे से बंद कर थोड़ी गर्म जगह पर, जिससे कि जब हम इडली बनाएं तो एकदम फ्लफी और बढ़िया बने। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसको ढक देती हूँ एक टॉवल से इस तरह से, और इसको किचन में ही प्लेटफॉर्म पर इसी तरह खमीर उठने के लिए रख देती हूँ। लगभग 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा बैटर प्रॉपरली फर्मेंट हुआ है या नहीं। सुपर्ब, ये देखिए हमने जब बैटर रखा था तो सिर्फ इतना रखा था और इतना ऊपर तक ये फूल गया है। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया इसमें एयर पॉकेट्स बनी है, एकदम परफेक्ट वाइट बैटर और प्रॉपर फर्मेंटेशन। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्मेंटेशन यानी खमीर डिपेंड करता है वेदर पर। अब मैं आपको इसकी एयर पॉकेट्स दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं बिल्कुल कैमरे को जूम करके आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इडली का बैटर परफेक्ट हमारा फर्मेंट हुआ है नहीं, वो इस तरह से। तो देखिए इस तरह से एयर पॉकेट्स बन जाती है, जिसकी वजह से जो इडली होती है वो एकदम फ्लफी व्हाइट और सॉफ्ट स्पंजी बनती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि इन एयर पॉकेट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी बहुत तेजी से नहीं फेटेंगे इसको, बस धीरे धीरे जेंटली जितनी आपको जरूरत है उतना बैटर इसमें से निकाल लीजिए और उसी में हम नमक ऐड करेंगे। बाकी बैटर को हमें अगर स्टोर करना है तो बिना नमक डाले ही यूं ही हम फ्रिज में इसको स्टोर करेंगे। आसानी से 4 दिन तक ये बैटर चल जाता है, आप इसे मजे से इडली बना सकते हैं, और सिर्फ इडली नहीं, डोसा, उत्पम, पनियारम, इडली सभी चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टिप और देना चाहूंगी, मान लीजिए कि आपको अभी इडली डोसा वगैरह नहीं खाने हैं तो आप इस बैटर को फर्मेंट मत कीजिए। जब आपने दाल को पीसा और चावल को पीसा, मिक्स करके आप उठा करके उसे फ्रीजर में स्टोर कर दें, और किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख दें, और जब आपको उसको यूज करना हो आप 1-2 घंटे पहले फ्रिज से निकालें और फर्मेंटेशन के लिए उठाकर रख दें, और उसमें जब खमीर उठ जाए तब आप उसको बहुत ही मजे से यूज कर सकते हैं। और जब बैटर इस तरह से बढ़िया फर्मेंट हो जाता है तो हमें किसी भी सोडा या इनो सॉल्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है 8-10 घंटे के बाद भी, तभी आप इनो या सोडे का इस्तेमाल करें, वरना आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खमीर उठने के बाद हमारी इडली वैसे भी फ्लफी बनेगी। तो चलिए अब बनाते हैं इडली। तो मैं तो भाई सारी बैटर की बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को इडली बहुत पसंद है और घर में सभी को। तो मैं डालूंगी यहाँ पर सबसे पहले 1 छोटी चम्मच नमक स्वादानुसार। तो अब लीजिए आप इडली स्टैंड, और इडली स्टैंड के सांचे को इस तरह से चिकना कर लीजिए थोड़ा सा ऑयल लेकर के। और अगर आपके पास घर में इडली स्टैंड नहीं है तो भी आप इडली बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं आपके साथ पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पैन में कटोरियों में इडली बनाई थी, तो आप कटोरी में भी इडली बना सकते हैं। और अब मोल्ड में हम डालेंगे
इडली बैटर और सारे ही मोल्ड इस तरह से भर करके तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने चढ़ा दिया है इडली स्टीमर, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डाला है एक गिलास पानी और पानी को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी टिप, आप कभी भी ऐसा ना करें कि तुरंत से पानी डाला और पानी डालने के बाद आपने स्टैंड को रख दिया। यहाँ पर पहले पानी डालिए, पानी को गर्म होने दीजिए और गर्म पानी में ही आप इडली स्टैंड को स्टीम होने के लिए रखिए। नेक्स्ट, अगर आपका बैटर थोड़ा सा भी पतला हो जाए और आपको लगे कि काफी पतला हो गया है तो वो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर थोड़ी सी सूजी मिला करके उसको एडजस्ट करें। इस तरह से हम गर्म पानी में स्टैंड को रख देंगे और इस पर लगा देंगे लिड। इस तरीके के इडली स्टीमर मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अब इडली को लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से हम स्टीम लेंगे। लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ। तो अभी इसी तरह से इसको बंद रहने देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, अचानक से आप इडली को तुरंत ना निकालें, थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ दें और दूसरा ओवर स्टीम बिल्कुल ना करें। अगर आपने ओवर स्टीम कर दिया तो इडली हार्ड हो जाएंगी। और ये देखिए, वाओ, मैं बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इडली कितनी फूली फूली बनी है, एकदम होटल स्टाइल स्पॉन्जी सॉफ्ट और फूली हुई, परफेक्ट स्टीम हुई है। नहीं, आप लीजिए एक नाइफ और नाइफ को इस तरह से लाल कर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बिल्कुल नाइफ एकदम साफ है, इसका मतलब इडली अंदर से बढ़िया स्टीम हो गई है। तो अब हम इडली स्टैंड को निकाल लेंगे और इडली को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ही हम इडली को डीमोल्ड करेंगे। अब इडली हमारी हल्की ठंडी हो गई है तो आप लीजिए एक चम्मच और चम्मच की जो बैक साइड है ना, इससे आप इस तरह से इसके किनारे को निकालिए। बस हल्का सा चम्मच को घुमाइए, कोई नाइफ वगैरह की भी जरूरत नहीं और आपकी इडली खराब भी नहीं होगी। ये देखिए, आप इसके टेक्सचर से ही देख सकते हैं कि इडली कितनी परफेक्ट और जबरदस्त सॉफ्ट बनी है, रुई की तरह से। खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगी, बिल्कुल फ्लफी हमारी इडली तैयार हुई है। और सभी इडली को हम बिल्कुल इसी प्रकार निकाल लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी साउथ इंडियन स्टाइल सुपर सॉफ्ट व्हाइट फूली फूली स्पॉन्जी इडली। अब मैं आपको ये एक तोड़कर दिखाती हूँ, आप इसकी जाली और स्पॉन्ज देखिए, है ना एकदम सॉफ्ट नरम, ऐसी के मुंह में घुल जाए। और मैं एंजॉय करने वाली हूँ इस गर्मा गर्म इडली को गर्मा गर्म सावर और नारियल चटनी से। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।